डियर फ्रेंड्स, आई एम एमके राठौर, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्पेशलिस्ट। आज की इस यूट्यूब चैनल में तमाम भारत के समस्त नागरिकों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, और स्वागत इसलिए करता हूं कि आप और हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। आज आप लोग के बीच में क्लास 12 इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आए हूँ जो क्वेश्चन को प्रत्येक बार रिपीट किया गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको किसी प्रकार के कोई कटौती ना हो। जैसा कि सबसे फर्स्ट सवाल आप लोग का है, आपसे प्रत्येक बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रथम गोल में समय लग गया। प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था? आपका ऑप्शन देगा 1930, बी में 1931, सी में 1932 और डी में देगा 1933, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल आप लोग का है, प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था? तब प्रथम गोल में सम्मेलन डांडी मार्च यात्रा के समय हुआ था। डांडी मार्च यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो बोल सकते हैं प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिए 1930, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। तब प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी को। दूसरा बोलेगा, याद रखिए 1931 ईस्वी को, और तीसरा बोलेगा 1932 ईस्वी को, याद रखिएगा। जब भी अगर पूछे तो अपनी भाषा बता सकते हैं। सेकेंड सवाल आप लोग के बीच में है, द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ये रहेगा 1930, 1931, 1932, 1933। तो याद रखिए, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, और दूसरा गोल में सम्मेलन एक वर्ष के बाद, पहला 30 में तो दूसरा 1931 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग का बनेगा, तृतीय गोल में सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1932, 1933, अटी में 1934। सोचिए, प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी को। दूसरा गोल में सम्मेलन एक वर्ष के बाद 30 में, एक जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, और तीसरा गोल में सम्मेलन एक वर्ष के बाद 30 में, एक जोड़ेंगे तब 32। प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, याद रखिएगा। प्रथम गोल में सम्मेलन बोलेगा 1930, सेकेंड बोले 1931, और तीसरा बोले 1932, याद रखिएगा। तीन तरह से आपका पूछेगा, प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में सम्मेलन। प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में, याद रखिएगा। तीन तरह से याद रखिएगा, प्रथम गोल में सम्मेलन का डेट पूछेगा 1930, दूसरा का पूछेगा 1931, और तीसरा का पूछेगा 1932। 1930, 1931, 1932, याद रखिएगा। चलिए अगला है, आपसे पूछेगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन देगा 1930, 1931, 1932, 1933। आप लोग अभी क्या बताएं, प्रथम गोल में समय 1930,
दूसरा पूछेगा 1931, तीसरा पूछेगा 1932 और गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में याद रखे भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तब पहला 30 में और दूसरा 31 में, और याद रखे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था और उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता था तो महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या मारेंगे 1931। अगला सवाल है दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? ज्यादा बात आप लोग के बीच में नहीं बोले हैं। पहला सवाल क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो याद रखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा पूछेगा 1931 में, तीसरा पूछेगा 1932 में। महात्मा गांधी केमा गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या होता है? 1930 मार सकते हैं। तो याद रखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस ने भाग केमा लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और गांधी इरविन समझौता को ही बोलते हैं दिल्ली पैक्ट, याद रखिएगा। तब बताओ गांधी इरविन समझौता 31 में, तो दिल्ली पैक्ट कब होगा? 1931 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग के बीच में है, याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग के बीच में है, गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच हुआ? किनके किनके बीच हुआ था? ए में है महात्मा गांधी और जिन्ना, बी में है महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, सी में है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन। तो कुछ नहीं करना है, आप लोग का पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, याद रखिए 30 से आपको स्टार्ट करना। गोलमेज सम्मेलन का डेट पूछेगा तो याद रखिए प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना। आपसे पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा पूछेगा 1931, तीसरा पूछेगा 1932। महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या होगा? तो 1931। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट, तो दिल्ली पैक्ट 1931 में। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच हुआ था, क्वेश्चन इस आंसर बन जाएगा। याद रखिए गांधी इरविन समझौता हो रहा है, याद रखिए गांधी और इरविन के बीच हुआ था, गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच। गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी, इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन, मार दीजिए आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1932, 1933, 1934, 1935, याद रखिए। हम अभी क्या बोले, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा पूछेगा 1931, तीसरा पूछेगा 1932। कांग्रेस ने दूसरा में भाग लिया तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तो बोलेंगे दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो बोलेंगे गांधी इरविन समझौता का डेट पूछेगा, तो गांधी इरविन समझौता का डेट जानते हैं कि कांग्रेस ने भाग लिया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में, गांधी इरविन का दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट। तुमसे पूछेगा गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच, गांधी, गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी, इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन। अब पूना पैक्ट हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय, प्रथम 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। तो पूना पैक्ट क्या मारेगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय, तीसरा गोलमेज सम्मेलन का डेट क्या होगा? 1932। आगे सुनिएगा, भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया था? कब दिया गया था?
ए में है 1942, बी में है 1943, सी में है 1944 और डी में है 1945। देखिए कुछ ज्यादा बात नहीं बोले, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931, तीसरा गोल में सम्मेलन 1932। ये बात याद रखिएगा, तीन को गोल में सम्मेलन आप याद रखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम बोलेगा 1930, दूसरा बोलेगा 1931, तीसरा बोलेगा 1932। महात्मा गांधी दूसरा गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे और इसी समय एक समझौता हुआ था जिसका नाम है गांधी इरविन समझौता, याद रखिए। तो महात्मा गांधी दूसरा गोल में सम्मेलन में भाग लिए, तो गांधी इरविन समझौता कब होगा 1931 में, और इसी का नाम है हुआ दिल्ली पैक्ट, इसी का नाम है दिल्ली पैक्ट। तो कोई पूछेगा दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, 1931 ईस्वी को। इसके बाद आपसे पूछेगा गांधी इरविन समझौता किनके भी, तो बोलेंगे महात्मा गांधी और इरविन की भी। इसके बाद पूछेगा पूना पैक्ट, पूना समझौता, पूना समझौता हुआ था तीसरा गोल में सम्मेलन के समय, तीसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1932 ईस्वी को। अब भारत छोड़ो बोलेगा 10 साल के बाद, 32 में 10 साल जोड़ेंगे, याद रखिए 32 सदस्य कितना होता है 42 होता है, याद रखिए 32 सदस्य 42। तो आप बोल सकते हैं भारत छोड़ो का नारा याद रखिएगा, प्रथम गोल में समय 1930 में, दूसरा गोल में समय 1931 में, तीसरा गोल में समय 1932 में, और प्रथम गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, दूसरा मिले थे, दूसरा गोल में समय 1931 में हुआ था और उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता बोलेगा तो 1931 में, और याद रखिए तुमसे गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम दिल्ली पैक्ट 1931 में, किनके किनके बीच हुआ था, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तुमसे पूछेगा पूना पैक्ट तीसरा गोल में सम्मेलन के समय, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। तब पूना पैक्ट कब हुआ था 1932 में, भारत छोड़ो बोलेगा 10 साल के बाद हुआ था, 32 सदस्य के तौर पर 42, याद रखिएगा। 8 सवाल आप लोग के बीच बता दिया, याद रखिएगा। आगे सुनिएगा, आपसे देगा एग्जाम में प्रत्येक बार प्रचलित क्वेश्चन है, हे राम का नारा, हे राम का नारा जो आप लोग का याद रखे जो इंपॉर्टेंट वो बता देगा, हे राम का नारा किसने दिए थे। एक कर बात तुमसे पूछेगा भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिए थे। इसके बाद आपसे पूछेगा याद रखिएगा, एक बात भारत छोड़ो, हे राम एक बात करो या मरो, करो या मरो, लिखा रहेगा डू एंड डाई, डू एंड डाई। इसके बाद रहेगा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। इसके बाद रहेगा यंग इंडिया, यंग इंडिया का प्रकाशन। इसके बाद आपका रहेगा इसके बाद रहेगा टॉल्स्टॉय आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम का निर्माण। इसके बाद रहेगा माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पुस्तक के लेखक। हम ज्यादा बात आप लोग के बीच में नहीं बोलेंगे, आपको ऐसा बात नहीं बोलेंगे जिससे आपको मान लेते हैं कि आपको याद रखिए जो स्मरणीय बात है, जो याद करनी बात है, ज्यादा कुछ बात नहीं बोले। तीन बात याद रखिएगा, पूरा का पूरा आप लोग का किए गो सवाल आप लोग का 9 सवाल बनेगा। आपसे पहला सवाल था प्रथम गोल में सम्मेलन, दूसरा था द्वितीय गोल में सम्मेलन, तीसरा था तृतीय गोल में सम्मेलन। अगर आपसे कोई बोलेगा प्रथम गोल में सम्मेलन तो 1930 में, दूसरा पूछेगा 1931 में, तीसरा पूछेगा 32 में। 1930, 1931, 1932, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में, तीसरा गोल में सम्मेलन 1932 में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी दूसरा गोल में सम्मेलन भाग लिए थे तो उसी समय गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता दूसरा गोल में सम्मेलन के समय, याद रखिए दूसरा गोल में सम्मेलन के समय। तो बोल सकते हैं दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में, गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट,
दिल्ली पैक्ट कब हुआ था, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच, गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी, इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन, गांधी और इरविन के बीच हुआ था, या तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, याद रखिएगा। अगला आप लोग के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था, तीसरा गोलमेज के सम्मेलन, गोलमेज से बोल सकते तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय, प्रथम गोलमेज 1930, दूसरा 31 और तीसरा 32, याद रखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, तब पूना पैक्ट 1932 में, भारत छोड़ो तब 32 सदस्य कितना होता, 42, भारत छोड़ो का नारा 42 में दिया गया था, इतने तक अभी बताया। आपसे पूछेगा भारत छोड़ो का नारा किसने दिए थे, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, भारत छोड़ो का नारा किसने दिए थे, बोलेंगे महात्मा गांधी, तो बोले भारत छोड़ो का नारा, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, याद रखिएगा भारत छोड़ो का नारा किसने दिए, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किए, तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किए, तो बोलेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया बूढ़ा आदमी थे लेकिन बोलते नौजवान इंडिया, ये भी कम थे, याद रखिए प्रकाशन किए महात्मा गांधी। टॉल स्टाय आश्रम का निर्माण किसने किए, महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो बोलेंगे महात्मा गांधी। एक सवाल कई बार पूछा गया, ये भी सवाल कई बार पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो बोलेगा भारत छोड़ो का नारा, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, याद रखिएगा भारत छोड़ो का नारा, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा किसने दिए, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, याद रखिए महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। एक बार तुमसे बोलेगा यंग इंडिया, तो यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किए थे, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। टॉल अष्टाय आश्रम, तो बोलेंगे महात्मा गांधी। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो याद रखिए महात्मा गांधी। ये ना रह के एक और सवाल रह सकता है, इसकी जगह पड़ेगा हे राम, हे राम का नारा किसने दिए, तो हे राम का नारा भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी से संबंधित इतना सवाल जो आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ और रटना नहीं है, ऑप्शन के फेर में नहीं रहना है, इतना तैयारी कर लो कि ऑप्शन बिना ऑप्शन के आप बना सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि ए में ऑप्शन है, बी में है, सी में है, डी में, कि ना नोट इनमें से कोई नहीं। बोले भारत छोड़ो का नारा, तो जब भी पूछेगा भारत छोड़ो का नारा किसने दिए, तो अपनी भाषा बोल सकते हैं भारत छोड़ो का नारा, तो याद रखिए महात्मा गांधी के द्वारा, भारत छोड़ो का नारा, तो याद रखिए महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किए, महात्मा गांधी, यंग इंडिया नौजवान इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी, टॉल अष्टाय आश्रम महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ याद रखिए महात्मा गांधी, याद रखिए इस बात पर ध्यान रखिएगा। जब भी पूछेगा कि भारत छोड़ो का नारा किनके द्वारा दिया जाता है, तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है, भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, हे राम का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, टॉल अष्टाय आश्रम का निर्माण किसने किया, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, माइक एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, याद रखिए महात्मा गांधी, याद रखिएगा। आप लोग का अभी तक 16 सवाल हुआ है, शांति से देखिएगा 17वां सवाल, जो आप लोग का कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा शहीद ए आजम किन्हें कहा गया, ये भी सवाल पूछा गया है। एक बात आपसे पूछेगा दिल्ली चलो का नारा, इसके बाद है जय हिंद, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बात आप लोग का पूछा गया है, याद रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला आप लोग के बीच में सवाल है, याद रखिएगा आप लोग का बीच में अगला सवाल है जो आप लोग का पूछा गया है, याद रखिए दिल्ली चलो हो गया, जय हिंद हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रत्येक बार इस सवाल को कई बार रिपीट किया गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिए क्वेश्चन में निकाल के देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। जब भी पूछे तो अपनी भाषा में बता सकते हैं। देखिए कुछ नहीं बात था, शांति से देखिएगा क्या क्या बात था, याद रखिएगा। आज का जो क्लास है, याद रखिए क्लास ट्वेल्व याद रखिए, हिस्ट्री टॉपिक्स क्लास ट्वेल्व बाय मुन्ना सर, याद रखिएगा। पहला सवाल आप लोग का क्या था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो बोले प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोले, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बोले, तृतीय गोलमेज सम्मेलन बोले, कुछ नहीं करना। आपसे बोले प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलेगा, याद रखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में,
दूसरा पूछेगा तो 1931 में, तीसरा पूछेगा तो 1932 में। इतना बात याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दें कि प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ, तब प्रथम गोल में सम्मेलन का डेट क्या है, तब प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ तो याद रखिए 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। सब एक एक साल के अंतराल है बाबू, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। 1930, 1931, 1932 याद रखिए, 1930, 1931, 1932। अगर आपसे एग्जाम में अगर रोड पे चल रहा है कोई भी अगर पूछ दे कि प्रथम गोल में सम्मेलन, याद रखिए 1930, दूसरा पूछेगा 1931, तीसरा पूछेगा 1932। 1930, 1931, 1932 याद रखिएगा, 1930, 1931, 1932 याद रखिएगा। अगर जब भी चर्चा करेगा कि प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, दूसरा कब हुआ 31 में, तीसरा कब हुआ 32 में, महात्मा गांधी केमा गोल में सम्मेलन भाग लिए थे, दूसरा गोल में सम्मेलन भाग लिए थे, महात्मा गांधी केवा गोल में सम्मेलन भाग लिए थे, दूसरा गोल में सम्मेलन भाग लिए थे, दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में। अब देखिए क्या सवाल आप लोगों के बीच में पूछ रहा है, याद रखिएगा, याद रखिए बोल सकते हैं अपनी भाषा में गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता दूसरा गोल में सम्मेलन के समय हुआ था, दूसरा गोल में सम्मेलन के समय, तो बता दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में हुआ था, और गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम है दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट कब हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच, तो बोलेंगे गांधी और इरविन के बीच, गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी, इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन। पूना पैक्ट कब हुआ था, तीसरा गोल में सम्मेलन के समय, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, याद रखिए पूना पैक्ट कब हुआ 1932 ईस्वी को। भारत छोड़ो का नारा बोलेगा था 10 साल के बाद, 32 में 10 साल के बाद 42 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी से संबंधित कुछ सवाल करते हैं, प्रत्येक बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कई बार आप लोग का याद रखिए एग्जाम में सवाल पूछा गया है। आपसे पूछेगा भारत छोड़ो का नारा, तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मारो, याद रखिए डू एंड डाई महात्मा गांधी के द्वारा, हे राम महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी, यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी, टॉल अष्टाय आश्रम का निर्माण किसने किया, तो बोलेंगे महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, बोलेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, इसके बाद शहीद आजम किसे कहा गया, ये सवाल कई बार पूछा गया कि शहीद आजम किसे कहा गया, तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया, याद रखिए शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया, शहीद आजम किसे कहा गया, तो भगत सिंह को। ये सब आप लोग का मौखिक है, ये सब याद रखिए, ऑप्शन के सहारा मत लीजिए, इन के चार को ऑप्शन करना तो याद रखिए, ऑप्शन देने की जरूरत पड़े। जब भी पूछेगा शहीद आजम का चर्चा करेगा तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया, याद रखिएगा शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया। दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा किसने दिया, तो बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगर कोई बोले जय हिंद तो बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। शहीद आजम बोलेगा तो याद रखिए भगत सिंह, एक बार आपसे बोलेगा शेर ए पंजाब, याद रखिएगा शेर ए पंजाब, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को कहा गया, याद रखिएगा शेर ए पंजाब तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को कहा गया है। तो बोलेगा शेर ए पंजाब किसे कहा गया, तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा शेर ए पंजाब किसे कहा गया, तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को, शेर ए पंजाब किसे कहा गया, तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को कहा गया। अगर आप सबको बोले शेर ए पंजाब किसे कहा गया, तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा शेर ए पंजाब किसे कहा गया, तो बोलेंगे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। अब देखिएगा कौन सा टॉपिक चल रहा है, याद रखिए हिस्ट्री आप लोग का चल रहा है, इतिहास विषय वस्तु है, क्लास 12th का है, याद रखिए भाई मुन्ना श्री, याद रखिए आप लोग का, याद रखिए पहला सवाल आप लोग का क्या था, प्रथम गोल में सम्मेलन, याद रखिएगा प्रथम गोल में सम्मेलन, प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में, एक से नौ को सवाल बना है बाबू, याद रखिए हल्का में मत लो। प्रथम गोल में सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तीसरा 1932, 1930, 1931, 1932, याद रखिएगा प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, दूसरा कब हुआ था 1931 में, तीसरा कब हुआ था 1932 में। अब बात उठता है कि महात्मा गांधी भाग लिए थे दूसरा गोल में सम्मेलन, महात्मा गांधी भाग लिए थे तो दूसरा गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, दूसरा गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था तो दूसरा गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। बाबू जब भी बोलेगा दूसरा गोल में सम्मेलन महात्मा गांधी भाग लिए थे, उसी दिन गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो महात्मा गांधी दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ था दूसरा गोल में सम्मेलन के समय, दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में, और गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या, तो बोलेगा दिल्ली पैक्ट, तो दिल्ली पैक्ट भी कब हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच, तो बोलेंगे गांधी और इरविन के बीच, गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी और इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन। पूना पैक्ट कब हुआ था, तीसरा गोल में सम्मेलन के समय, प्रथम 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में, तो पूना पैक्ट 1932 में। भारत छोड़ो 10 साल के बाद 32-10-42 याद रखिएगा। एक बार देखिएगा आप लोग का कई बार रिपीट क्वेश्चन याद रखिएगा,
देखिए आप लोग का सवाल है, हाँ हे राम का नारा। तो हे राम का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर कोई बोलेगा कि हे राम, ये सब याद रखे, प्रत्येक भारतीय को याद रखे, प्रत्येक भारतीयों के जुआ पर रहना चाहिए बिना ऑप्शन के, याद रखिएगा। कोई भी अगर आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगर भारतीय एक सच्चे भारतीय होने के नारे होते के नाते ये आप लोग का याद रखे प्रत्येक बार, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन याद रखिए, पूछे या ना पूछे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतना बात याद रखिएगा प्रत्येक भारतीयों को ये सब जुआ पर इसका आंसर होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा हे राम का नारा, तो बोलेंगे महात्मा गांधी के द्वारा, हे राम महात्मा गांधी, हे राम का नारा तो बोलेंगे महात्मा गांधी, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, करो या मारो महात्मा गांधी, फिर से देखिए हे राम है महात्मा गांधी, हे राम बोलेगा महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, करो या मारो महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो बोलेंगे अपनी भाषा में महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। टॉल अष्टाय आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे, याद रखिए महात्मा गांधी, याद रखिएगा। एक बार शहीद आजम से पूछेगा, तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया, याद रखिए शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया। जब भी पूछेगा शहीद आजम भगत सिंह और शेर ए पंजाब बोलेगा, तो लाल लाजपत राय को कहा गया, याद रखिएगा। आपसे बोलेगा कि शहीद आजम किसे कहा गया, तो शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया, शहीद आजम भगत सिंह को कहा गया। और याद रखिएगा दिल्ली चलो का नारा कोई पूछेगा आपसे, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा याद रखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगर कोई बोलेगा शहीद आजम, दो बात बोल रहे हैं याद करने के लिए, शहीद आजम और याद रखिए शेर ए पंजाब, तो शहीद आजम भगत सिंह को आज शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा गया है, याद रखिएगा। आपसे को बोले शहीद आजम तो बोलेंगे भगत सिंह को, आज शेर ए पंजाब तो बोलेंगे लाला लाजपत राय को कहा गया। आपसे जब भी पूछेगा शहीद आजम तो भगत सिंह, आज शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद बोलेगा सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था। अगला आपको आप लोग के बीच में सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, याद रखिएगा, इतना जल्दी 22 सवाल में पहुंच चुके हैं। अगला देखिएगा आपसे पूछेगा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1931, 1931। आगे देखते हैं साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। आगे साइमन कमीशन में सभी सदस्य किस देश के थे, ऑप्शन में रूस, बी में फ्रांस, सी में जर्मनी और डी में इंग्लैंड। अब देखिए तो क्या बात पूछ रहा है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 ईस्वी को, याद रखिएगा। कोई पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो याद रखिए 1928 ईस्वी को, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा तो 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन में टोटल सदस्य के वो था, तो टोटल सदस्य याद रखिए 7 वो था, और साइमन कमीशन के 7 सदस्य कहाँ के थे, याद रखिए अंग्रेज कहाँ के था, इंग्लैंड का। तो बोल सकते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन कुल सदस्य के वो, तो बोलेंगे 7 वो, और साइमन कमीशन के 7 सदस्य कहाँ के थे, बोलेंगे इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं स्वेच्छानुसार।
ये बार कई बार सवाल को पूछा गया, वो बोले साइमन कमीशन भारत कब आया, याद रखिए 1927 ईस्वी को, सॉरी साइमन कमीशन भारत कब आया तो बोलेंगे 1928 ईस्वी को, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा तो 1928 ईस्वी को, साइमन कमीशन कुल कितने सदस्य, तो बोलेंगे 7 सदस्य थे, साइमन कमीशन के 7 सदस्य कहां के थे, तो बोलेंगे इंग्लैंड के थे, याद रखिएगा इंग्लैंड के थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया तो 1928, कब पहुंचा 1928, साइमन कमीशन कुल सदस्य के तो बोलेंगे 7 सदस्य, 7 सदस्य कहां के थे, बोलेंगे इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन बोल सकते हैं, इंग्लैंड बोल सकते हैं, यूके बोल सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 25वां सवाल, साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या था, काले कमीशन, बी में गोरे कमीशन, सी में दोनों, अटी में नोट। 26वां क्या पूछ रहा, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बंबई कब पहुंचा था, ऑप्शन है 3 फरवरी 1928, बी में 2 फरवरी 1928, सी में 4 फरवरी 1928, 4 फरवरी 1928, अभी भी नोट। देखिए हम हिस्ट्री टॉपिक्स है क्लास 12 टोटल टॉपिक याद रखिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा रिपीट करके आगे हम बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछेगा प्रथम गोल में सम्मेलन, प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में सम्मेलन, 9 सवाल इससे बनेगा। प्रथम गोल में सम्मेलन तो 1930 में सब एक एक साल के अंतराल पर, एक याद करो सब याद हो जाएगा, प्रथम गोल में सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, प्रथम बोलेगा 1930, दूसरा बोलेगा 1931, तीसरा बोलेगा 1932, प्रथम बोलेगा 1930, दूसरा बोलेगा 1931, तीसरा बोलेगा 1932। महात्मा गांधी दूसरा गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे, और उसी समय एक समझौता हुआ था जिसका नाम है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो दूसरा गोल में सम्मेलन के समय, और दूसरा गोल में सम्मेलन कब हुआ था 1931 में। गांधी इरविन समझौता का दूसरा नाम क्या, दिल्ली पैक्ट 1931 में। गांधी इरविन समझौता किनके किनके बीच हुआ था, तो गांधी का पूरा नाम महात्मा गांधी, इरविन का पूरा नाम लॉर्ड इरविन। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो तीसरा गोल में सम्मेलन के समय, पहला 1930 में, दूसरा 31 में, और तीसरा 32 में। तो बोलेंगे पूना पैक्ट 1932 में। भारत छोड़ो बोलेगा, याद रखिए 32 सदस्य कितना होता, 42। भारत छोड़ो का नाम 42 में दिया गया था। एक बात देखिए, महात्मा गांधी से संबंधित कुछ सवाल है जो आप लोग का कई बार पूछा गया है। हे राम का नारा कोई पूछेगा, हे राम का नारा, तो हे राम का नारा महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। हे राम बोलेगा महात्मा गांधी, याद रखिएगा, हे राम महात्मा गांधी, हे राम का नारा तो याद रखिए महात्मा गांधी, हे राम का नारा बोलेगा तो महात्मा गांधी, याद रखिए। जब भी पूछे कि हे राम का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किए थे महात्मा गांधी, यंग इंडिया नौजवान इंडिया महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिए महात्मा गांधी। दो बार 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 बोल रहे हैं 17वां और 21वां सवाल कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। शहीद आजम, भगत सिंह और शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बोले शेर ए पंजाब तो बोलेंगे भगत सिंह को कहा जाता है, शेर ए पंजाब तो बोलेंगे भगत सिंह को, शेर ए पंजाब तो बोलेंगे भगत सिंह को, शेर ए पंजाब तो बोलेंगे भगत सिंह, और शहीद आजम बोलेगा अगर शहीद आजम बोलेगा तो याद रखिए भगत सिंह, और शेर ए पंजाब बोलेगा तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। आपसे बोलेगा अगर मान लेते कोई पूछा कि शहीद आजम किसे कहा गया,
तो शहीद आजम तो बोलेंगे भगत सिंह को कहा गया, शहीद आजम तो बोलेंगे भगत सिंह को, शेर ए पंजाब लाल लाजपत राय को कहा गया, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये नारा दिया गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 ईस्वी को। कुल सदस्य के गो था, तो टोटल 7 सदस्य था, सातों सदस्य कहाँ के था, इंग्लैंड का था। अब देखिए साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है, तो बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। टोटल सदस्य के गो 7 गो, सातों कौन था, अंग्रेज था। अंग्रेज कहाँ के था, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड अपने आपको कौन चमड़े वाला मानता था, गोरे चमड़े वाला, इसका दूसरा नाम क्या था, गोरे कमीशन, गोरे कमीशन। साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा, बोलेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई पहुंचा था। याद रखिए कोई बोलेगा ना कि साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा, तो बोलेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। जब भी पूछेगा अपनी भाषा बता सकते हैं, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, जब भी पूछे तो अपनी भाषा बता सकते हैं, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था। चाहिए तो ये सब बात का ध्यान रखिएगा, जब भी पूछे तो अपनी भाषा में, ये सब याद रखिए। कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है, अगला सवाल आप लोग के बीच में पूछा गया, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, ए में देगा मन्नू, बी में देगा मोनिया, सी में देगा दोनों, और डी में नोट। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मन्नू भी था मोनिया भी था, राइट आंसर हो जाएगा दोनों। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे, ऑप्शन में है चंद्रबाबू दाई, में पंडित नेहरू, सी में है आपका महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु बोलेगा, याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी कई बार सवाल में पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई को किन किन नामों से जाना जाता है, नामों से जाना गया, जाना जाता था। ए में मन्नू, ए में मन्नू, बी में मणिकर्णिका, मन्नू मणिकर्णिका, सी में छबीली, और डी में उपयुक्त सभी। तो महात्मा गांधी, सॉरी रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को मन्नू भी कहा गया, क्योंकि जन्म ली थी ना, मणिकर्णिका नाम रखा गया था, नाम बड़े होने के कारण लोग प्यार से मन्नू कहना स्टार्ट कर दिए, और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों को पछाड़ना स्टार्ट कर दी, छबीली भी नाम रखा गया, जंग ली तो मन्नू रखा गया, और याद रखिए नाम बड़े होने के कारण लोग प्यार से मन्नू बोले, युद्ध के मैदान में पुरुषों को पछाड़ते रहे, छबीली नाम रखा गया, इनमें से सभी माने, याद रखिएगा।
रानी लक्ष्मीबाई को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो आप लोगों के बीच में बताए। अगला देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन में वैशाली, बी में छपरा, सी में पूर्णिया और डी में है जीरादेई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? याद रखिए जीरादेई, ये भी कई बार रिपीट क्वेश्चन है, याद रखिए जीरादेई के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? याद रखिए जीरादेई के निवासी थे। अगर जब भी पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे, याद रखिए जीरादेई के निवासी थे। याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे तो बोलेंगे जीरादेई के निवासी थे, जीरादेई के निवासी थे, याद रखिएगा जीरादेई, ठीक है। अगला सवाल एक किस्मा देखिएगा, इकतीसवां सवाल आप लोग के बीच में है। वीर कुंवर सिंह कहां के निवासी थे? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैशाली, पूर्णिया, सी में छपरा और डी में जगदीशपुर। याद रखिए ए बोल सकते हैं, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के निवासी थे। इनके बारे में वो स्लोगन है जो सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही सुंदर भाषा में लिखे हैं, जिनके बारे में अगर हम बड़ाई भी करें तो फीका पड़ जाएगा, क्योंकि इनके बारे में वो स्लोगन है, नारा दिया गया था, एक कविता इनके, एक मतलब इनके जीवनी पर आधारित है कि 80 साल की हड्डियों में जगह जोश पुराना था, 80 साल की हड्डियों में जगह जोश पुराना था, लोग कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। याद रखिएगा 80 साल की हड्डियों में जगह जोश पुराना था, लोग कहते थे वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो वीर कुंवर सिंह कहां के निवासी थे? बोलेंगे जगदीशपुर की निवासी थे। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए जगदीशपुर की निवासी थे। जब भी पूछेगा तो अपनी भाषा बता सकते हैं, जगदीशपुर की निवासी थे। 1857 का विद्रोह कब हुआ था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? ए में 10 मई, बी में 11 मई, सी में 14 मई और डी में 15 मई। अब देखिए 1857 का विद्रोह कब हुआ था? बोलेंगे 10 मई को हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मई को हुआ था 1857 का विद्रोह। अब अगला सवाल इसी से पूछेगा, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? पटना से किसने किया था? इसके लिए छोड़ देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं देंगे, बिना ऑप्शन के समझाएंगे बाबू। 34वां सवाल आप लोग का है, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व, 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किए थे? बिहार से किसने किए थे? अब देखिए कुछ नहीं करना है, 1857 का विद्रोह 10 मई को हुआ था, पटना से बोलेगा था, पास है पटना पास है पीरअली, बस बिहार, बस वीर कुंवर सिंह। याद रखिएगा कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है, पटना से बोलेगा पीरअली, बिहार से बोलेगा वीर कुंवर सिंह, पटना से बोलेगा पीरअली। जब भी पूछे अपनी भाषा बता सकते हैं, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? बोलेंगे 10 मई को हुआ था। याद रखिएगा 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। पटना से कौन किया था? पास है पटना पास है पीरअली, बिहार से बोलेगा था, बिहार से वीर कुंवर सिंह। अगर ये ना रह के आपसे देगा कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से
जगदीशपुर से किसने किए थे तो बताइए, जगदीशपुर में किनका जन्म हुआ था, तो वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। और जगदीशपुर है कहाँ में, तो बिहार में है, ये भी मारेंगे, बस बिहार बस से वीर कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह कब हुआ, 10 मई को, पटना से कौन किया, पीरली, बिहार से कौन किया, वीर कुंवर सिंह, और जगदीशपुर से कौन किया, वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। ये सब सवाल कई बार रिपीट क्वेश्चन है, कई बार उस सवाल को पूछा गया है। 36वां देखिएगा, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 के, 1857 के विद्रोह के समय भारत का, ये भी कई बार सवाल पूछा गया, भारत का शासक कौन था, भारत का शासक कौन था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का शासक कौन था, क्या क्या सवाल बताया। 1857 का विद्रोह कब हुआ, मारेंगे 10 मई, पटना से, प से पटना, प से पीरली, बिहार से वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, भारत का बादशाह कौन था, तो बोलेंगे बहादुर शाह दूसरा, बहादुर शाह द्वितीय, याद रखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय। 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब हुआ था, 10 मई को, पटना से कौन किया, प से पटना, प से पीरली, बिहार से कौन किया, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कौन किया, वीर कुंवर सिंह, और अगर को बोले उस समय भारत का शासक कौन था, बहादुर शाह दूसरा, बहादुर शाह दूसरा, बहादुर शाह दूसरा, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय, इससे अच्छा खासा सवाल पूछता रहोगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर कौन था, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कोई पूछेगा 1857 का विद्रोह कब हुआ, 10 मई को, प से पटना, प से पीरली, प से बिहार, प से वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर बोलेगा तो वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय शासक कौन था, बहादुर शाह दूसरा, और बताइए भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये सब याद रखिएगा। अगला 38वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखिएगा, उसका नाम है पामस्टर्न, 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 इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह कब हुआ, तो बोलेंगे 10 मई को, प से पटना, प से पीरली, ब से बिहार, ब से वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर बोलेगा तो वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का शासक बहादुर शाह दूसरा, चार को ऑप्शन रहेगा, आराम से टिक मार लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का शासक बहादुर शाह दूसरा, गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखिए पामस्टर्न, 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 याद रखिएगा पामस्टर्न, जब भी पूछेगा पामस्टर्न। अगला सवाल है आपसे, कई बार सवाल पूछता है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन रहता है रावी, फल्गु, भोगवा, डी में नोट। हड़प्पा कौन नदी पे है, याद रखिए रावी नदी पे, ये भी कई बार सवाल पूछा गया है। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी बोलेगा, हड़प्पा रावी नदी बोलेगा, हड़प्पा जब भी बोले तो रावी नदी, हड़प्पा जब भी बोलेगा तो रावी नदी बोलेगा, हड़प्पा जब भी बोलेगा तो रावी नदी, हड़प्पा को बोले तो रावी नदी, हड़प्पा को पूछ दे आपसे तो रावी नदी, मोहनजोदड़ो बोल दे, याद रखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अगला सवाल आप लोग का है, याद रखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ए में आपका है फ्रेंच,
बी में है अरबी, सी में है फारसी, डी में सिंधी। कुछ नहीं करना है। अब बताइए मोहनजोदड़ो कौन नदी पे? सिंधु नदी पे। मार दीजिए सिंधी, सिंधु सिंधे, सिंधु सिंधे, सिंधु सिंधे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सिंधी भाषा का शब्द याद रखिएगा। सिंध का बाब, किसे कहा गया? सिंध का बाग किसे कहा गया? छोड़ दीजिए। आगे मृतकों का टीला किसे कहा गया? मृतकों का टीला किसे कहा गया? इसको भी छोड़ दीजिए। चलिए आप हमको ये बताइए कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, सिंधी भाषा का शब्द है। अब बताओ मोहनजोदड़ो सिंधी नदी पे, सिंधी भाषा का शब्द है, तो बताओ सिंध का बाग किसे कहा जाएगा? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। याद रखिएगा, जब भी बोलेगा हरप्पा रावी नदी, हरप्पा रावी नदी, हरप्पा रावी नदी, हरप्पा रावी नदी। हरप्पा कौन नदी? रावी नदी पे स्थित है। हरप्पा कौन नदी पे स्थित है? बोलेंगे रावी नदी। हरप्पा कौन नदी पे? रावी नदी पे स्थित है। हरप्पा कौन नदी पे? रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो सिंधी, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु। सिंधु सिंधु नदी पे स्थित है, सिंधी भाषा का शब्द है। सिंध का बाग बोलेगा मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मृतकों का टीला को पूछेगा तो याद रखिए मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। एक बात बोलिएगा, याद रखिए आपसे सवाल पूछेगा, याद रखिए नाचती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की का साक्ष्य, नाचती हुई लड़की का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला, किस सभ्यता में मिला था? नाचती हुई लड़की का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला था? आगे बुना हुआ कपड़ा, कपड़ा का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला था? किस सभ्यता में मिला था? बुना हुआ कपड़ा का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला था? आगे बने पानी वाला जहाज, पानी वाले जहाज का साक्ष्य किस सभ्यता में मिला था? ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, चलिए तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए तो क्या पूछ रहा है, याद रखिएगा हरप्पा से आपको लेके चलना है। हरप्पा कौन नदी पे? ये देखिए 1857 का विद्रोह, थोड़ा सा बोल देते हैं। 1857 का विद्रोह तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब हुआ तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब हुआ तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब हुआ तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब हुआ तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 का विद्रोह कब हुआ था तो बोलेंगे 10 मई को। 1857 के विद्रोह पटना से कौन के? प से पटना, प से पीरली, बिहार से ब से बिहार, ब से बीरकुंवर सिंह, जगदीशपुर से बीरकुंवर सिंह। उस समय भारत का शासक कौन था? बहादुर शाह दूसरा। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर ने। और गवर्नर कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। हरप्पा कौन नदी पे? रावी नदी पे। हरप्पा कौन नदी पे? रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु। याद रखिए सिंधु नदी पे स्थित है, तो तुमसे पूछेगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर अगर है कौन भाषा का शब्द, तो बोलेंगे सिंधी भाषा। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, नाचती हुई लड़की को कौन देखेगा? लड़के ने देखेगा जी, मोहनजोदड़ो मानेंगे। अब बुना हुआ कपड़ा कौन पहनेगा? तो मोहनजोदड़ो, मोहन पहनेगा, मोहनजोदड़ो। पानी वाला जहाज कौन, ये कौन चलाने का काम करेगा? मोहनजोदड़ो। जब भी रहेगा याद रखिए मोहनजोदड़ो मारिएगा। एक बात आप लोग का 47 सवाल है, याद रखिएगा। नाचती
हुई लड़की देख लेंगे, एक बाद विशाल अशोकनगर देख लेंगे। याद रखिए ये सब मोहनजोदड़ो की सभ्यता में देखने को मिला। आपसे बोलेगा मोहनजोदड़ो कौन नदी पे, तो बोलेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन भाषा का शब्द है, सिंध भाषा। सिंध का बात मोहनजोदड़ो, मृतक का कटीला मोहनजोदड़ो, बुना कपड़ा कौन पहनेगा मोहन पहनेगा मोहनजोदड़ो, स्विमिंग पूल में कौन आएगा मोहन आएगा मोहनजोदड़ो, एक बार बताते पानी वाला जहाज मोहनजोदड़ो, मृतक का कटीला मोहनजोदड़ो, सिंध का बात मोहनजोदड़ो। याद रखिये इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 47 आपका सवाल, प्रत्येक बार एग्जाम में सवाल रहता है, कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। 48 सवाल आपको का है, कालीबंगा किस नगर में स्थित है, किस नगर में स्थित है। चलिए अगला सवाल आप लोग के बीच में है, कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी पर स्थित है, कालीबंगा की खोज किसने की थी, देखिएगा। तो इसमें एक वो ट्रिक आप याद रखिएगा, कालीबंगा से जब भी पूछेगा ना तो एक वो ट्रिक याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे सुनो बढ़िया से, एक वो ट्रिक याद रखिएगा, एक याद रखिए काली बीबी चूड़ी मांगे एक था पर बिके लाल, क्या पूछ रहा है, किसी की पत्नी काली है, काली बीवी है और कह रहा है बाजार जा रहा है ना, बहुत लवली मुड़े बोलती है पत्नी अपने पति से, बोलती है काली पत्नी है, याद रखिए बोलती है ना कि याद रखिए जा रहे हैं बाजार में जा रहे हैं जी, तो किसी की पत्नी काली, बोल रहे कि बाजार जा रहा है तो हमारा लिए काली चूड़ी लेके आइएगा। तुम ही सोचो कोई काली लड़की रहे, काली चूड़ी पहने रहे और काली अगर मान लेते साड़ी पहने रहे, लगेगा कि काली माँ के अवतार है, लगभग करेगा। उसी प्रकार से किसी की पत्नी काली है और कह रहे कि जी बाजार जा रहे हैं, बोले हाँ जा रहे हैं, तो काली बीवी है और कह रहे कि काली चूड़ी लेके आइएगा, तो पति बोलता मारेंगे थप्पर ना कि गाले लाल हो जाएगा। तो याद रखिए काली बीवी चूड़ी मांगे, काली बीवी से बनेगा कालीबंगा, और कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए, कौन चूड़ी के लिए, तो बोलेंगे काली चूड़ी के लिए, और कालीबंगा की खोज किसने की, तो बोलेंगे बिक्केलाल, जिनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल, याद रखिएगा। तो कालीबंगा की खोज किसने की, तो बोलेंगे बिक्केलाल, और कालीबंगा कहां में, तो बोलेंगे राजस्थान, राजस्थान के गंगानगर, और गंगा की सबसे छोटी बहन का नाम क्या, सरस्वती। याद रखिए राजस्थान का ऐसु काली माँ के लोग जय जयकार करते हैं, राजस्थान की राजधानी कहां है, जयपुर है, तो बोलेंगे कालीबंगा कहां में, राजस्थान में, राजस्थान के कौन नगर, गंगानगर, और गंगा की सबसे छोटी बहन का नाम क्या, सरस्वती, तो बोलेंगे राजस्थान, गंगानगर, सरस्वती नदी, खोज किसने किया, तो बोलेंगे बिक्केलाल, कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए, कौन चूड़ी के लिए, तो बोलेंगे काली चूड़ी के लिए, कालीबंगा की खोज किसने किया, बिक्केलाल कहां में है, तो बोलेंगे राजस्थान के गंगानगर, गंगा की सबसे छोटी बहन का नाम सरस्वती, तो राजस्थान के गंगानगर के सरस्वती नदी पर स्थित है, राजस्थान के गंगानगर के सरस्वती नदी पे स्थित है। आप लोग का टोटल, आप लोग का सवाल जो बताया हुआ, टोटल आप लोग का 50 सवाल बताया हुआ हिस्ट्री का, अगर इतना देख लेते हैं याद रखिए 60% आपका एग्जाम में सवाल बनेगा, सारा का सारा आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन को बताया गया है, सबका जितना भी सवाल बता रहे हैं सारा का सारा सवाल कई बार पूछा गया है, कुछ नहीं करना है। कालीबंगा की बात करेगा तो कालीबंगा की खोज याद रखिए, काली बीवी, कालीबंगा की खोज जब भी बोलेगा कालीबंगा से संबंधित सवाल, तो बोलेंगे काली बीवी चूड़ी मांगे एक था पर बिक्केलाल, बिक्केलाल इसकी खोज किया, कहां में, राजस्थान के गंगानगर के सरस्वती नदी पे स्थित, याद रखिए राजस्थान के गंगानगर के सरस्वती नदी पे, याद रखिएगा। क्या चल रहा था, हिस्ट्री चल रहा था क्लास 12th का, भाई मुन्ना सर याद रखिएगा, क्योंकि ये वो लोगो याद रखिएगा, जो मुन्ना सर को भूलेगा वो 12th आर्ट्स में झूलेगा। अगर बेहतरीन मार्क्स चाहते हैं, अगर कम समय में आप लोग का चाहते हैं तरक्की चाहते हैं और कम समय में चाहते डिस्टेंसर मार्क्स चाहते हैं, तो याद रखिए राठौर परिवार से जुड़िए, और याद रखिए अगर मान लेते कम समय में वर्दी की चाहत रखते हैं, याद रखिए क्या कंपटीटिव से आपको बेहतरीन संस्थान मसौढ़ी में नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। अगर आप हम पे विश्वास होता है, फेथ होता है, तो चाणक्य कंपिटेटिव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, अगर आप स्टार चाहते हैं तो, वर्दी चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं 12th में सबसे बेहतरीन नंबर हो,
टॉपर खाली हो, खाली टॉपर बच्चा हो, याद रखिए खाली टॉपरों का भरमार हो, तो राठौर परिवार से बेहतर आप लोग का मसौरी में नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है हवन के बिना पूजा संभव नहीं, हवन के बिना पूजा नहीं, और मुन्ना सर के बिना 12th आर्ट्स अधूरा है। याद रखिएगा ये सवाल का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितना भी बताएं ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना देखने का प्रयास कीजिए। और कल क्लास 12th का जो क्लास है आपको पोस्टपोन कर दिया गया है ईद के शुभ अवसर पर, आराम से सेलिब्रेट कीजिए। याद रखिए क्योंकि आप लोग का भी जो पर्व है, याद रखिए बढ़िया से सेलिब्रेट कीजिए। जितना भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं आराम से आप लोग का क्या कीजिए पर्व को, आप लोग एडवांस में दे रहे ईद मुबारक, बढ़िया से इसको सेलिब्रेट कीजिए। और याद रखिए क्योंकि हम लोग का 12 तारीख को हमारी हिंदुओं का सबसे पावन त्यौहार छठी मैया का आगमन होने वाला है, हम लोग क्या करें बहुत बेहतरीन ढंग से छठ पूजा को आराधना करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। याद रखिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। आप लोग का अपना चैनल मुन्ना सर मसौली।